माननीय सभापति महोदय, प्लीज विराजिए विराजिए। मुझे सोलहवीं विधानसभा में प्रथम बार बोलने का मौका दिया, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद मेरी मकड़ा विधानसभा की जनता का देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां बहुत भारी मतों से जीता के इस सदन में भेजा। और मकड़ा शहर वो शहर है जहाँ हिंदू मुसलमान की एक मिसाल पैदा होती है। मकड़ा सिटी एक वो सिटी है जहाँ मुसलमान भाई मंदिर बनाते हैं और हिंदू भाई मस्जिदों का काम करते हैं। ऐसी मिसाल पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगी, जो एक मेरा मकड़ा विधानसभा है। मकड़ा विधानसभा के सभी मजदूरों ने पूरे भारतवर्ष में एक नाम कमाया, चाहे बिरला मंदिर हो, चाहे अभी जो राम मंदिर की चर्चा जो बार बार सभी सदस्य कर रहे हैं। इस राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जो रामलला का गर्भ गर्भ का काम हुआ है, वो मुसलमान भाइयों ने मिलके मकराना के वासियों ने किया है। चाहे देश विदेश में जो मंदिर बने हैं उसका काम मकराना के सभी जनता ने किया। मैं ऐसी विधानसभा से आपके लोगों के बीच के अंदर आया हूँ। मैं तीन दिनों से देख रहा हूँ राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर वाद विवाद हो रहा है। ये वाद विवाद ना होके इधर उधर की बातें हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में 23 पेज में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुद्दे की बात होती है। इसमें मात्र केंद्र सरकार की योजना है या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना को उसको बंद भी नहीं करना चाहते, उसको समीक्षा के बहाने से इस राज्यपाल अभिभाषण में ये दर्शाया गया है। यही राज्यपाल जी कलराज मिश्र साहब जिन्होंने पिछले 3-4 अभिभाषण कांग्रेस के पक्ष में दिए, उन्होंने जो गुणगान किए पिछले आप देखिए अभिभाषण के अंदर क्या क्या उन्होंने चर्चा की, आज ये मजबूर होके आप लोगों के समक्ष ऐसी अभिभाषण ये निकाला है। इस अभिभाषण के ऊपर लोगों को उम्मीदें थी कि जब ये सरकार बनी आपकी बहुत भारी मतों से, तो लोगों को उम्मीद थी कि डीजल पेट्रोल की रेट का आप कम करेंगे, लेकिन इसमें निराशा मिली राजस्थान की जनता को। इस अभिभाषण में किसानों की दुगनी आय करने की बात की उम्मीद थी, किसानों का कोई इसमें चर्चा नहीं है, ना किसानों के प्रति इस अभिभाषण के अंदर को कार्य योजना बनाई गई है कि 5 साल में हम क्या करेंगे। इस अभिभाषण में युवाओं को रोजगार देने की बात की उम्मीद थी प्रदेशवासी युवा को, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन एक बात ये जरूर है, जब बीजेपी सरकार बनी तो राजीव गांधी युवा मित्र जो 5,000 युवा मित्रों ने राजीव गांधी में भर्ती हुए थे, उन सभी को युवा मित्र से हटा दिया गया। वो इसलिए हटा दिया गया है कि उसका नाम राजीव गांधी युवा मित्र का गया है। अगर आप भी को इनको रखना था तो नाम चेंज कर रख देते, जैसे आप हमेशा की तरह नाम चेंज के रखते हो। आज उनकी गलती क्या है, उन्होंने इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने अपना फॉर्म भरा, सिलेक्शन हुआ, प्रचार प्रसार किया। आपकी सरकार की योजना अगर अच्छी आती तो आपका भी ये लोग प्रचार करते। मैं इसमें ज्यादा नहीं बात करके इसका आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने पैरा नंबर 22 के अंदर इंदिरा रसोई का नाम बदल के अन्नपूर्णा रसोई करने की घोषणा की है। आपके नाम से पहले अन्नपूर्णा की घोषणा, आप अन्नपूर्णा रसोई के नाम से छाप चलाते थे, लेकिन अन्नपूर्णा एक बस के अंदर चलती थी, जो आम आदमी गरीब किसान ये जो बाहर से आदमी आता था वो ढूंढता था ये बस कहाँ गई भी कहाँ गई। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको इंदिरा रसोई का नाम देके एक स्थान चिन्हित किया, ये बस स्टैंड पे रहेगी, ये रेलवे स्टेशन पे रहेगी, ये कोर्ट के बाहर रहेगी, ये नगर पालिका में रहेगी। और आपकी ये मंशा अब है कि इसको 200 की संख्या की जगह 100 संख्या को इनको खाना दिया जाए, ये आपकी ये भी भाषण के अंदर ये आपकी ये झलक दिखती है। इसी तरह आपने पूर्व में राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदल के अटल सेवा केंद्र नाम रखा, जब हमारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने हर ग्राम पंचायत के 10,000 ग्राम पंचायतों में 10-10 लाख रुपए के राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले गए थे, आपने 10 रुपए का एक काला पोता लेके उसको सेवा अटल बिहारी सेवा केंद्र का नाम
बदल दिया गया, ये आपकी हमेशा ये रही है। आपने पेरा नंबर 51 में महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय के बारे में भी आपने कहा, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो अध्यक्ष जी है, जिन्होंने हर गांव गरीब किसान की बात सुनी। आज पैसे वाला बच्चा तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ जाता था या बाहर हॉस्टल में जाता था, लेकिन गरीब किसान का बच्चा अंग्रेजी स्कूल करने के लिए पढ़ने के लिए वंचित था, और हमारी सरकार ने हर गांव के अंदर करीब 3,741 जो महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल खोली, मैं इनका आपका धन्यवाद देना चाहता था। आपने पेरा नंबर 52 के अंदर गांव का जिक्र किया, आपने गांव के नाम गाय के नाम से बोर तो हमेशा मांगे हैं, लेकिन जो लंपिंग की बीमारी हुई थी हमारे पूर्व की सरकार ने 40,000 रुपए गांव गाय के लिए उसका मुआवजा दिया गया और 9 महीने का अनुदान दिया गया। और पेरा नंबर 67 के अंदर आपने इसमें दर्शाया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी करने की घोषणा की, जिसमें उदयपुर जयपुर अजमेर कोटा शहर में इसमें नाम दिया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकार ने जो स्मार्ट सिटी का जो मॉडल बनाया, आप देखिए कोटा जाके कितनी सुंदर स्मार्ट सिटी हमारे पूर्ववर्ती गांधी धारीवाल मुख्यमंत्री जी ने बनाई, जयपुर कितना बढ़िया स्मार्ट सिटी बनाया। आप इन्हीं का मॉडल अगर और जगह शहरों में बना दे तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और लोकसभा आप जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके पहले 10 साल पहले प्रधानमंत्री थे, हर सांसद को एक ग्राम पंचायत गोल लेने की बात कही थी। यहाँ पे भी पूर्व सांसद बैठे होंगे, एक भी सांसद बता दे कि हमने इस ग्राम पंचायत को गोद में लेके एक मॉडल बनाया। ये खाली आपकी बातें, खाली किताबी बातें होती है और बाकी और कुछ नहीं है। आपने पेरा नंबर 23 के अंदर सिलेंडर 450 देने की बात कही है, ये तो हमने पहले 500 रुपए के अंदर देने की घोषणा कर दी। आपकी जो स्मृति ईरानी जो केंद्र में मंत्री है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जो गैस की टंकी लेके माथे में घूमती थी, और 450 रुपए का गैस का सिलेंडर माननीय सभापति महोदय खत्म तो होने मैं प्रस्ताव करता हूँ कि समय का सदन आधा घंटा और बढ़ाया जाए। माननीय सभापति महोदय, जब स्मृति ईरानी गैस का पार्टनर लेके घूमती थी बहुत ही महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार 11-12 रुपए गैस की टंकी रेट बढ़ गई, तो हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर निकले थे, हमारे उपसभा हमारे प्रतिपक्ष के नेता के क्षेत्र के अंदर वहां घोषणा की थी कि गैस की टंकी 500 रुपए के अंदर देंगे और वो गैस की टंकी करीब गोपी चंद मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी होगा 16वीं विधानसभा